जब पंजाब पहले क्या वो सीधे दिल्ली चले आए क्या? अब आप यही तो विषय पे बातें नहीं करना चाह रहे, आपने पूरे मट हम तो बोल रहे पूरा हैं रखा ना मट तेरे। या लेकिन नहीं 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 बात ही नहीं हम करना चाह रहे। नहीं नहीं भैया, आपने मथा कहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ। किसान नेताओं ने अगर से मथा होता तो दूध का दूध, पानी का पूरा पानी, मट्ठा और दही सब अलग हो गया होता। किसान नेताओं ने तो 3 बार अपना स्टेटमेंट बदल दिया, जी ये सफेद कानून है, MSP लागू करो, हमें लिख के गारंटी दो। उनको पता ही नहीं है कि MSP कितनी टेक्निकल चीज है, हर 3 महीने पे बदलने वाली चीज के लिए एक बार में कैसे लिख दिया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, काला कानून है, 14 बार मीटिंग होने के बाद भी बोल रहे हैं अब तो जी पूरा कानून ही वापस लो। ये कोई बात भारतीय होती है किसान क्या? यूनियन पहले बोले संशोधन, पहले किसान नेता ने बोला संशोधन करो, फिर बोलते हैं जी ये पूरा कानून ही काला है, वापस करो। संशोधन से वापसी पे आ गए, अब क्या बोल रहे हैं कि अब हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी सरकार गिराएंगे, हम तुम्हारे सरकार के भैया खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये मिश्रा कोई जी, इफेक्टिव मिश्रा कम्युनिकेशन, डायलॉग जी डिलीवरी या हाँ, कम्युनिकेशन का ये इफेक्टिव तरीका हठधर्मिता नहीं होती है सर। सीधे पूरा मैं उठा के ये बोल दें कि किसान नेताओं के द्वारा जीवन की सबसे बड़ी गलती जो वहां पे आंदोलन की, आपकी पूरी बात का सार केवल यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आप हम इस कुछ नहीं विषय बोलते हैं कौन गलत है कौन सही है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जो बिल को पढ़ के, जो देखिए, मैं मार्केट का आदमी हूं, मार्केट डायनामिक्स को मैं समझता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, किसान नेताओं ने क्या किया? जब 2 रुपए किलो जब टमाटर बिकता है तो क्यों नहीं 50 रुपए किलो में ये बिक? बोलिए ना टिकैत साहब को खरीद के रख लें, अपने घर पे मदद करें। क्या मैकेनिज्म है? 2 रुपए किलो में जब टमाटर सड़कों पे फेंका जाता है, तब आप लोग मिश्रा उपाय क्यों नहीं बताते हो? बताइए क्या उपाय है इसका? कोई जी मैकेनिज्म ठहरिए, है तो बताइए। मिश्रा जी ठहरिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनु और आप देख रहे हैं वर्ल्ड 360 मनु। आज का हमारा विषय है किसान आंदोलन, अगला कदम क्या, फार्मर्स प्रोटेस्ट व्हाट नेक्स्ट। स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं एके मिश्रा जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। एके मिश्रा जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। 200 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, ना किसान समझौते पर आना चाहते हैं, ना भारत सरकार समझौते पर आना चाहती है। भारत सरकार का कहना है कि जो किसान बिल आए हैं ये एग्री रिफॉर्म है, वही किसानों का कहना है कि ये काले कानून है। हमारा आज का जो शो है वो इसी पर निर्भर करता है, और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की दिशा और दशा क्या होगी। जी मिश्रा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अक्षांश ने कहा शुरुआत में ही कहा कि किसान आंदोलन को पहली बात तो बदनाम करने की कोशिश की गई, दूसरी बात ये जो बिल आए हैं ये देश के उद्योगपतियों को फायदा देंगे। आपको क्या लगता है, क्या बिल में कहीं भी ये चीज मेंशन है कि देश के उद्योगपतियों को इससे फायदा होगा? कहीं भी कुछ मेंशन है इस तरह का? देखिए मैम, जो ड्राफ्ट है, अगर आप उसको पढ़िए, मैंने बहुत सीरियसली उसको पढ़ा, और इस आंदोलन को, इस मुद्दे को समझने के लिए, देखिए ये आंदोलन या ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है। सारी दुनिया इसको लेकर के पॉलिटिकल अप्रोच रखे हुए है। ये मुद्दा जो है बड़ा एग्री इकोनॉमिक्स का ये सब्जेक्ट है। अब मैं बहुत बढ़िया ऐसे बात, लोगों को बोलूंगा जिनको एग्रीकल्चर और एग्री इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो तो वो समझ सकते हैं। मैंने पूरे ड्राफ्ट को पढ़ा और मैं आपको बताता हूं, 2 पॉइंट ऐसे हैं इसमें। गलती बीजेपी की क्या हुई कि उन्होंने इसको भी पॉलिटिकल एक मुद्दे की तरह प्रेजेंट किया, और विपक्ष ने भी या किसानों ने भी एक पॉलिटिकल जो है मुद्दे की तरह इसको उठाया। एग्री इकोनॉमिक्स तो गायब ही हो गई है 70 सालों से। किसानों की अगर हालत देखेंगे, ज्यादातर किसानों की हालत मार्जिनल यानी हाशिए पे है। ये बिल उन लोगों के लिए है ही नहीं जो जमींदार टाइप के किसान है, जैसे पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, या टिकैत साहब है। ये बिल उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए है जिनको कि शायद उनके गांव वाले भी नहीं जानते होंगे। छोटे छोटे जो किसान है, ये उनके लिए है। इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर ड्राफ्ट को आप पढ़िए तो उसके पर्पज और ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर और विजडम फुल तरीके से वो लिखे गए हैं, और इतना जबरदस्त इकोनॉमिक बेनिफिट है कि हाशिए पे खड़े हुए किसान को, जिसको कुछ नहीं पता है, उसको भी बेनिफिट दिया जाए। दो चीजें इसमें बड़ी ऑब्जेक्शनल हैं, मतलब एग्री इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं, पॉलिटिशियंस के हिसाब से, जो इसके विरोध में है। मैं आपको बता दूं जो ड्राफ्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, उसमें यह है कि भाई किसी ने
प्रोड्यूस पैदा किया किसान कोई भी हो, वो कहीं पे भी बेच सकता है, इंटर स्टेट, अपने जिले में, अपने गांव में। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन भी कर सकता है। इसमें एक चीज इन्होंने मना कर दी है कि किसी भी तरीके की खरीद और फरोख्त पे, यानी किसान के ऊपर और जो ट्रेडर है, कोई लेवी या टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। मंडियों में क्या होता था, दलाल लोग लेवी और टैक्स लेते थे जो बीच की कमाई, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये वर्ल्ड बाई वर्ल्ड वहां पे लिखा गया है। दूसरी चीज इसमें ये लिखी गई है, ट्रेडिंग वही कर पाएगा चाहे कंपनी हो, चाहे कोई जनरल ट्रेडर हो, चाहे पंसारी हो जिसका पैन कार्ड हो। अभी तक क्या होता था, किसान लेके गया, वो ऐसे अंगुली दिखाते थे, दो तीन एक दूसरे के मुट्ठी में करते थे, सौदा हो गया कोर्ट वर्ल्ड में, पैसे कैश दे दिए गए, महीने भर बाद दे दिए गए, 2 महीने बाद दे दिए गए, फिर काट लिए गए कि जी ये तो इसमें इतनी मिट्टी थी तो इतना कंकड़ था। ये दो चीजें ऐसी हैं, जो लोग मिडिल मैन है, जो लोग बिचौलिएपन का काम करते हैं और जो लोग कमीशन खोरी का काम करते हैं, छोटे छोटे किसानों के साथ भी उनके पैर पे ये कुल्हाड़ी है, वो खत्म हो जाएंगे। हाँ, और इसका विरोध कौन कर रहा है, मैं बता दूं, टिकैत साहब, महन सिंह टिकैत, जिनके पास 8, 10, 15, 20 पेट्रोल पंप है, 300, 400 एकड़ या 100 एकड़, यानी लंबी चौड़ी खेती है, सारी चीजें हैं, वो पॉलिटिक्स का फायदा लेना चाहते हैं इसका। उनका अपना पॉलिटिकल गोल है, क्योंकि सब मेरे घर के बगल में ही बॉर्डर पे बैठे रहते हैं और बहुत डिबेट की है उन लोगों के, किसानों के बीच में जाके हमने डिबेट की है, और जितने किसान नेता हैं, मैं उन गरीब किसानों की बात छोड़ दे रहा हूँ जो वहां उनके पीछे चले आए हैं। हाँ, क्योंकि वो मतलब देखिए लिटरेट भी नहीं है, अब ये बोल रहे हैं काला कानून है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, कोई दो तीन चीज ऐसी बताएं जो उनको काला लगता हो। ये बोलेंगे जी MSP। हाँ, किसान आंदोलन का पहले क्या हुआ कि जी इस बिल को ये करो MSP लिख के दो, फिर उसके बाद इन्होंने मुद्दा क्या बदला, नहीं जी ये तो काला है, ये सफेद है, इसमें 2 पॉइंट हटा दो, फिर जी ये पूरा का पूरा बिल ही हटा दो। इनकी डिमांड भी लगातार परिवर्तित होती गई, इसका मतलब है इन्होंने पढ़ा नहीं। एक चीज और, ये पूरे बिल को पढ़ने के बाद एक सवाल हमेशा उठता है, हालांकि ये बीजेपी की गलती है, भाई इन्होंने डिस्कस क्यों नहीं करवाया। अरे मेरे भाई, कुल मिला के 4 पन्ने का बिल है, इससे ज्यादा बिल नहीं है, कॉपी पड़ी हुई है, आप चाहो तो देख लो, किसानों ने भी इसको पढ़ा ही नहीं, बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं। 4 पन्ने के बिल के लिए 500 सदस्य इधर, 500 उधर, उसके लिए एक हफ्ते का डिस्कशन करवाएंगे, कोई ऑब्जेक्शनल चीज नहीं है, कोई दिमाग लगाने की चीज नहीं है, हाई स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का भी समझ जाएगा कि ये क्या है। वो 10% 20% किसानों को छोड़ दीजिए, उनको फायदा हो सकता है, उनको नुकसान हो सकता है, उनको नुकसान होने पे भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो बहुत रिच है, बहुत सुविधा संपन्न है। लेकिन 80% 90% जो हाशिए पे किसान है, आप सोचिए कि आपकी उपज की डिटेल ऑनलाइन पड़ी हुई है, और कोई आपको अपने गांव का लाला नहीं खरीद रहा है, साउथ इंडिया से किसी ने खरीद लिया, आपको इसमें क्या ऑब्जेक्शन है साहब। रही बात MSP की, तो MSP इसके पहले भी क्या होता था, हर साल गजट होता था, नोटिफिकेशन होता था कि भाई इस साल इस फसल की MSP इतनी रहेगी। इस साल जो MSP हर साल बदलती है, यानी हर फसल पे बदलती है, उसको कैसे फिक्स कर दे कोई सरकार इस बिल में। मान लीजिए MSP 2000 रुपए फिक्स हो गया, तो अगले साल तो उसको चेंज करना है ना, फिर नोटिफिकेशन देना होगा, फिर नोटिफिकेशन। तो MSP का नेचर ऐसा है कि हर 3-4 महीने पे नई फसल के बाद MSP का नोटिफिकेशन देना पड़ता है, तो चूंकि वो एक चेंजेबल प्रोसेस है, वो फ्लेक्सिबल चीज है, सरकार ने इसलिए MSP का उल्लेख नहीं किया, क्योंकि वो हर फसल के बाद या उसके पहले ही तय की जाती है कि अब की बार ये MSP होगा, अब की बार वो एक सिंपल नोटिफिकेशन के थ्रू होता है, गवर्नमेंट मैकेनिज्म को, मशीनरी को चला जाता है और उसी पे खरीदारी होती है। अब क्लेम लोग ये कर रहे हैं, किसान लोग, भाई MSP पे खरीद नहीं हो रही है, अभी सारे पॉलिटिकल डिबेट में कि MSP नहीं मिल रही है, MSP नहीं मिल रही है, तो वो MSP के गजट, नोटिफिकेशन या बिल की कमी नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की फॉल्ट है। मैं मान सकता हूं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं, जो बिचौलिए हैं, अच्छा पहले पेपरों पे तो MSP मिलती थी, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा बिचौलिए भी खा जाते थे, या खा जाने की संभावना होती थी, तो इफेक्टिव MSP प्राइस जिसके हाथ में पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचता था, 2, 4, 6, 10% वो बिचौलिए खा ही जाते थे, जब किसान के खाते में पैसा पहुंचता था या कैश से या चेक से जो डिलीवर होता था। ये मामला भी आया था पंजाब में, कि उन्होंने बोला कि हमें एडवांस चेक दो, बिचौलियों ने बोला, ट्रेडर्स ने बोला कि हमें एडवांस चेक दो, ये सब इस तरीके से करके फोर्स कर रहे थे। बाकी किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो
मैं एग्री पॉलिटिकल उसके नहीं, ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई नहीं। ठीक है, तुकैत को छोड़िए, वो कोई बहुत उनको टैलेंटेड मैं नहीं मानता हूँ, जो किसान आंदोलन के स्वयंभू नेता है। सार्थक चर्चा करिए एग्री इकोनॉमिक्स के हिसाब से। मैं मार्केट का आदमी हूँ, मार्केटिंग का आदमी हूँ, मैं बता सकता हूँ भारत के एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम रही है, क्यों प्राइस नहीं मिल पाती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हर घर में प्रयोग किया जाता है, भारत का हर आदमी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, चाहे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो। भाई मान लीजिए आप खेती नहीं करती हैं, लेकिन किसान की उपज की खरीदारी तो करती है ना, शॉपिंग मॉल से, दुकानों से, जिसमें हर आदमी इन्वॉल्व हो, और वो इतनी बड़ी समस्या बन के बैठी हो कि उनकी इनकम ही नहीं बढ़ रही है। तो ये तो प्योर इकोनॉमिक्स या एग्री इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है मैम। ला देगा, प्रश्नवाचक चिन्ह ये खड़ा होता। दूसरी बड़ी बात है कि विकसित राष्ट्रों में अमेरिका हो, 1960 का दशक ले लें और अभी तक का दशक ले लें, तो अमेरिका जैसे राष्ट्र में भी ऐसी एक समवर्ती चलती है व्यवस्था, जो जिस व्यवस्था की बात आज 21वीं नहीं सदी में देखिए भारत क्या में है, हुई है। एक एक मिनट रुकिए, ये सब इमोशनल बातें हैं, मैं आपको बताऊं। आप हार्डकोर प्रिंसिपल ओरिएंटेड, जो मैकेनिज्म होता है ना बिजनेस का या जी मार्केट का, उस पे बात करिए। उन्होंने ये हाँ बोला, उन्होंने ये बोला, ये इमोशनल बात कर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मेरे मित्र ने अभी एक चीज बोली, मैं आपको बताऊं कि हम शादी करते हैं तो ये है वो है। यहाँ ज्यादातर इस चीज की जो है फजीहत या वो, जी हमसे नहीं बात किया, हमसे नहीं बात किया। अरे इंडिविजुअली सबसे जाकर के जो है सरकार पूछेगी क्या भैया, पॉपुलेशन जनसंख्या का जो है जब रजिस्ट्रेशन होता है, पॉपुलेशन सेंसस होता है, वो तो एकदम इतना मुश्किल काम होता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सरकार या वो संस्था हर आदमी से जाके पूछे कि तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं, इतने मुद्दे हैं देश में। दूसरी इन्होंने एक चीज उठाई कि भाई वो केवल एसडीएम के कोर्ट तक लिमिटेड रहेगा। हमारे मित्र ने ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें दो तीन क्लॉज दिए हैं। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट होता है तो एसडीएम को ये अधिकार होगा कि वो दो पार्टियां बनाएगा, एक उस तरफ से किसान के तरफ से और दूसरा उस तरफ से। 30 डेज तक अगर कोई सोल्यूशन नहीं आता है उसका, म्यूचुअली एग्रीमेंट या ये सब चीजें करके, तो उसको डिसॉल्व करके फिर वो दूसरा इस तरीके से किसी अधिकारी को बैठा सकता है दोनों तरफ से। तो इतना सिंपल भी नहीं है कि कोई वहां एसडीएम ने बोल दिया, जो अभी बोल रहे थे कि फसलें होती हैं जी आधा ही काउंट किया जाता है, मुआवजा आधा मिलता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बेस्ड ये बिल जो है बहुत सही है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ मेरे तरफ से, बीइंग एग्री इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट, इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, मार्केट का एक्सपर्ट, मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट होता है इम्प्लीमेंटेशन का। मैं बोलता हूँ साहब यहाँ तो कानून सारे दुनिया में है कि किसी का मर्डर करने पर फांसी होगी, लेकिन अब कानून गलत है कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन में कमी है तो उसके लिए सरकार कर रही है। सरकार क्या कर रही है मैं आपको बताता हूँ, इसी बिल में ये छूट दी गई है और प्रमोट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो, पैन कार्ड होना जरूरी है। ऐसा मिश्रा जी का इंटरनेट कनेक्शन टूट गया है, शायद वो अभी कनेक्ट हो जाएंगे। हमारे पास आखिर के 15 मिनट रहते हैं अक्षांश, मैं आपकी तरफ आती हूँ। मिश्रा जी जब जुड़ेंगे तो वो अपनी बात पूरी करेंगे। मेरा अहम, जब हम अपने कंक्लूजन की तरफ जाएं, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, मिश्रा जी जुड़ ही गए हैं हमारे साथ। हाँ, जी तो मैं मिश्रा जी, कंटिन्यू करता हूँ। जी जी पैन कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पे, पैन कार्ड तो मैंडेटरी है जो भी ट्रेडर होगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसीलिए कि अगर कोई फ्रॉड करे तो पहचाना जा सके, इसके पहले तो होता नहीं था। अच्छा दूसरी चीज आप ये और देखिए यहाँ पे कि पैन कार्ड के साथ साथ जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होगा तो पैसा जिसके हाथ में जाना चाहिए, किसान के हाथ में, उसी के हाथ में जाएगा। अच्छा कोई अगर गलत फहमी होती है, कुछ होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पैन कार्ड से पकड़ा जाएगा। यानी इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को भी स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। सरकार सैटेलाइट के थ्रू ये जानने की कोशिश कर रही है, देखिए कितनी पैदावार हुई पर हेक्टेयर या टोटल, ये कैलकुलेशन कैसे होता है। एक पहले मैनुअल होता था कि एसडीएम वगैरह ये सब जाके जो पटवारी होते थे, हाँ भाई इतना है तो इतने इतने एकड़ में खेती हुई है, एवरेज निकाल लिया। अब तो या तो ड्रोन से मैपिंग हो रही है या सैटेलाइट के थ्रू हो रही है। हो सकता है 5G वगैरह आने में अभी टाइम लगे, लेकिन सरकार इम्प्लीमेंटेशन में आदमियों को जितना आप दूर रखेंगे, बिचौलियों को, अधिकारियों को, किसी को भी जितना दूर रखेंगे, एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो सरकार इस बिल में इस चीज का भी प्रोविजन है, ये एक नेक्स्ट स्टेप है कि जो इम्प्लीमेंटेशन में कमियां रह जाती हैं उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेकर के जाया जाए। कहीं कोई ऐसा लॉजिक मुझे नहीं दिखता है। एक सबसे बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं,
70 करोड़ के आसपास यहाँ पे किसान है, 6,000 7,000 मंडियां हैं, एक मंडी पे कितना बड़ा भार है आप मुझे ये बताइए कि किसान वो बेच दे बेच सके, वो जितनी मंडियां हैं वो उसको सफिशियंट नहीं है लोड को जो है हैंडल करने के लिए। तो एक व्यवस्था और आई कि ओपन मार्केट में, भाई मंडियों से भी तो वो चीजें या तो कंज्यूमर खरीदता है या कंपनियां खरीदती हैं, ट्रेडर का ये भय दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इन्होंने बात की। सर आप जितनी चीजें करते हैं सुबह से शाम तक, एवरीथिंग इट इज कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको बता दूं, चाहे वो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे हो, चाहे वर्बल हो, चाहे मूक सहमति हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये नहीं है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ किसी ताकतवर आदमी ने, जमींदार ने, कंपनी ने ये लिखवा दिया कि जी अगर 100 किलो फसल का वादा करते हो, अगर नहीं होता है तो हम तुम्हारे हाथ कटवा लेंगे। अगर कोई इलीगल चीज कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही नल एंड वायर्ड हो जाता है। मैंने आपके यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई किया, आपने ये बोला कि भाई तुम्हारा टारगेट मार्केटिंग का 1 लाख रुपए है, अगर टारगेट नहीं हुआ तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉयड कॉन्ट्रैक्ट है? आप कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को समझिए। आउट ऑफ द वे जाकर के अगर किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो चैलेंज किया गया, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करवा लीजिए, हाँ वो वॉयड कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली बट नेचुरल बाई डिफॉल्ट हो जाता है। इसमें जो मुद्दे हैं, जो पॉइंट है, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है ना किसान नेता। पॉलिटिकल माइलेज लेने की ज्यादा कोशिशें हो रही हैं, बंगाल में किसी किसान ने नहीं किया, पूर्वांचल में किसी किसान ने नहीं किया, कुछ यहाँ वेस्टर्न यूपी में बैठ गए हैं, कुछ पंजाब से। अच्छा पंजाब के किसान क्या है, रिच है, सब कुछ है, पार्टी हो रही है जी, आके बैठे रहो। आज की डेट में बारिश हुई है, हमारे गांव में क्या चल रहा है, लोग वहां पे धान की रोपाई कर रहे हैं जो किसान है या मजदूर है। हाँ और यहाँ टिकैत साहब इधर घूम रहे हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के नेता से मिल रहे हैं। मैंने बोला ये उन किसानों के लिए है जो खेत में आज काम कर रहे हैं, ये उन किसानों के लिए नहीं है जो मर्सिडीज बेंज से घूम करके किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। वो किसान है ही नहीं, वो उनके लिए बिल नहीं है, उनका पॉलिटिकल माइलेज है। और मैं अभी भी चैलेंज के साथ बोलता हूँ, प्रिंसिपल बेस्ड अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत इंप्रूव्ड बिल है ये, एपीएमसी को कहीं नहीं छेड़ा जा रहा है, मल्टीपल व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं कि किसान कहीं पे भी बेच सकता है। आप एक छोटा सा सामान खरीदना होता है तो आपके पास, आप 5 दुकान जाते हो, आलू खरीदने जाते हो तो 5 ठेले पे भाव और क्वालिटी पूछते हो। अगर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है तो किसान को ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिले कि उसके पास भी खरीदने के लिए 10 लोग आए, वहां पे आपको ऑब्जेक्शन है। टोटली एंटी किसान प्रोटेस्ट है ये, मैं आपको बताऊं। किसान को फैसिलिटी दी जा रही है कि दूसरे स्टेट का भी आदमी बायर उसके पास आए, लोकल भी आए, जैसे चाहे, जिसमें उसको ज्यादा फायदा हो, हरासमेंट कम हो, वो जा करके अपनी उपज को बेचे। इसका एक सबसे बड़ा फायदा और होगा, जब बिचौलिए लेवी और टैक्सेशन खत्म होगा तो जो विषमता होती है कि जब फसल पैदा होती है, जैसे टमाटर के सीजन में टमाटर 1 रुपए किलो, किसान उसमें भी परेशान, और जब टमाटर का सीजन नहीं होता है तो टमाटर 100 रुपए किलो, वो भी स्टेबल होगा। जो दोनों तरफ से किसानों को मार पड़ती है वो प्राइस एक ऐसे लेवल पे जाके स्टेबल होगा, या किसान को बेनिफिट और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट, उनके ऊपर से जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि बीच में बिचौलिए जो स्टोर करके रखे रहते हैं और सीजन के टाइम पे स्टोर कर लेते हैं, जब सीजन नहीं है तब माल निकालते हैं, इन सब चीजों पे तो कोई किसान नेता जो है बात नहीं कर रहा है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों करेंगे बात साहब, आप मुझे बताइए ना, करिए इन मुद्दों पे बात। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसान यूनियन इस चीज के लिए धरना दे कि भाई ये किसान का 10 एकड़ की फसल थी, 5 एकड़ का पैसा क्यों मिल रहा है? आज तक कोई किसान नेता वाला नहीं गया कि साहब ये किसान की फसल जल गई तो इसको मुआवजा दिलवाओ। आज तक किसी किसान नेता ने आंदोलन किया, किसान के एक इंडिविजुअल किसान के मदद के लिए किया? नहीं जी, हमें पानी पिलाना है। ये किसान नेता ऐसे हैं कि इनको पानी पीना था तो आंसू निकलने लगे, पहले पानी बहाया अपने आंख से और 100 लोगों को बुलाया कि पानी लेकर के आओ, 100 और लोगों को डिस्टर्ब किया, यानी इनकी प्रेजेंस होना बड़ी जरूरी है साहब। इनको वीर चक्र से देश के हीरो अगर बने तो ये 4-6 कथित नेता ये हीरो बने रहे। बिल पे डिस्कस नहीं करेंगे जी, बस बिल वापस लो। अरे क्यों वापस लो, आप मुझे 2-4 रीजन बताइए ना पहले। मिश्रा जी, हमारे पास आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं। अक्षांश, आप अपना विद इन 2-3 मिनट्स अपनी बात खत्म कीजिए प्लीज। जी मिश्रा जी, पहले तो मैं आपको इंडिविजुअल बात ये बता दूं, जैसे कि आपने बताया कि जहां आग लग गई हो, कभी इन मुद्दों पे लड़ाइयां आपने लड़ी कि नहीं लड़ी? लेकिन
आपको बता दूं, जैसे अगर आपने बताया जितना भी आपने पूरी इस उठा करके जितनी नहीं बात नहीं की मैं आप 12 व्यक्तिगत साल आपको नहीं के बोल रहा था, मैं तथाकथित किसान नेताओं को बोल रहा था, व्यक्तिगत मैं आपको नहीं कर रहा था कि आपने लड़ी कि नहीं लड़ी। हम लोगों ने और हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन सभी लोगों ने ये व्यक्तिगत तौर पर हम लोगों को निर्देशित किया था, और हम लोग अपने सभी जिला अध्यक्षों को व्यक्तिगत तौर पर निर्देशित करते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल कि संगठन के आंदोलन द्वारा ही लड़ी फैलाओ, जा आंदोलन फैलाने के लिए निर्देशित किया गया ना। मैं एक हाशिए पे नहीं पड़े सर, किसान की बात कर रहा हूं कि अगर उसको घर में कोई किसान दिक्कत आती है तब कोई किसान नेता नहीं दिखता है। एक अकेला किसान को अगर बात दिक्कत आ जाए गांव में तो नहीं रखी जानी चाहिए मिश्रा जी। इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का माध्यम क्या है मुझको आप बता दीजिए। मेरा प्रश्न है आपसे, आपने इतनी देर से बोला, देर नहीं मेन नहीं बात हाँ ठीक की, है, लेकिन हाँ क्या ठीक है ठीक है। देखिए मैं पता आपको बता रहा हूं, अगर अगर आप ये बोलते हैं लोकतंत्र में कि अपनी बात रखने का माध्यम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आंदोलन करना है, पूरे देश को अनस्टेबल करना है, तो ये गलत माध्यम है। अपनी बात रखने का सबसे सरल, सटीक और कंस्ट्रक्टिव माध्यम है कि आप बैठ के बात करिए और लॉजिकल बात करिए। जो सही है उसको सही बोलिए, जो गलत है उसको मानिए कि ये गलत है ये सही है। जब पंजाब पहले क्या वो सीधे दिल्ली चले आए क्या? अब आप यही तो विषय पे बातें नहीं करना चाह रहे, आपने पूरे मट हम तो बोल पूरे रहे हैं ना कलकत्ता मट तेरा, या लेकिन नहीं 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 बात ही नहीं हम करना चाह नहीं नहीं भैया आपने मथा कहा, मैं यही तो बोल रहा हूँ। किसान नेताओं ने अगर रहे मथा होता तो दूध का दूध, पानी का दे पानी, मट्ठा और दही सब अलग हो गया होता। किसान नेताओं ने तो पूरा तीन बार अपना स्टेटमेंट बदल दिया, जी ये सफेद कानून है, MSP लागू करो, हमें लिख के गारंटी दो। उनको पता ही नहीं है कि MSP कितनी टेक्निकल चीज है, हर 3 महीने पे बदलने पार्टी वाली चीज के लिए एक बार में कैसे लिख दिया जाए, पहली चीज। दूसरी आंदोलन चीज काला कानून है, 14 बार, 14 बार मीटिंग होने के बाद भी बोल रहे हैं अब तो जी पूरा कानून ही वापस लो। ये कोई बात भारतीय होती है किसान क्या? यूनियन पहले बोले संशोधन, पहले किसान नेता ने बोला संशोधन करो, फिर बोलते हैं जी ये पूरा कानून ही काला है वापस करो। संशोधन से वापसी पे आ गए, अब क्या बोल रहे हैं कि अब हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी सरकार गिराएंगे, हम तुम्हारे सरकार के ना खिलाफ आंदोलन करेंगे। तो ऐसा थोड़ी मिश्रा जी, होता अब है, ये कोई इफेक्टिव अच्छा कम्युनिकेशन, डायलॉग जी डिलीवरी या कम्युनिकेशन का ये इफेक्टिव तरीका, हठ धर्मिता नहीं होती है सर। सीधे पूरा मैं उठा के ये बोल दें कि किसान नेताओं के द्वारा जीवन की सबसे बड़ी गलती जो वहां पे आंदोलन की, आपके पूरी बात का सार केवल यही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं आप हम इस कुछ नहीं विषय बोलते हैं कौन गलत है कौन सही है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जो बिल को पढ़ के, जो देखिए मैं मार्केट का आदमी हूं, मार्केट डायनामिक्स को मैं समझता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, किसान नेताओं ने क्या किया? जब 2 रुपए किलो जब टमाटर बिकता है तो क्यों नहीं 50 रुपए किलो में ये बिक, बोलिए ना टिकैत साहब को खरीद के रख लें अपने घर पे, मदद करें। क्या मैकेनिज्म है? 2 रुपए किलो में जब टमाटर सड़कों पे फेंका जाता है तब आप लोग मिश्रा उपाय क्यों नहीं बताते हो? बताइए क्या उपाय है इसका? कोई जी ठहरिए, मैकेनिज्म है तो बताइए। मिश्रा जी ठहरिए, बिल्कुल शायद यही वजह रही कि इस तरह के आंदोलनकारी जो सही मायने के जो आंदोलनकारी उनके बीच आ गए थे तो प्रधानमंत्री ने उन्हें परजीवी कहा था। मिश्रा जी मैं आपकी तरफ आती हूँ, एक ही मिनट में आप ये बताइए कि अब क्या होगा सरकार को और किसानों को एक मंच पर आने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जी? बिल्कुल विद इन 1 मिनट। मिश्रा जी आपको आवाज आ रही है? आपसे सवाल किया था मैंने। हाँ, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा, मैं उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूँ। सौरभ मैं आपकी तरफ आती हूँ यही सवाल लेकर, 1 मिनट में बताइए कि सरकार और किसान एक मंच पर कैसे आ सकते हाँ हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए होगा क्या, कुछ नहीं होने वाला है, ये पॉलिटिकल माइलेज है। एक होता है ना जैसे सेल्फ डेथ किसी आंदोलन का, ये कर रहे हैं, सरकार ने 13-14 राउंड बात की और पर्सनली सब कुछ पढ़ने के बाद और सारे कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स, एग्री इकोनॉमिक्स, भारतीय एग्रीकल्चर के जो चैलेंजेस हैं, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ। हमेशा से ये बात उठती रही है कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया जाए, तो सरकार ने क्या किया, एटलीस्ट एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री के बराबर ही तो ला रही है। उसने तो दरवाजे खोले हैं कि इंडस्ट्री जो है यहाँ पर इंटरेक्ट करे, जो इंडस्ट्री की जो फैसिलिटीज है, टेक्नोलॉजी है, जो अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पा रही थी, उसी चीज को तो सरकार ने ओपन किया है कि ये दिस इज मियरली द इंटरेक्शन ऑफ
मार्केट एज वेल एज इंडस्ट्री टूल्स एंड टेक्निक्स और टैलेंट, किसानों के लिए ये चीज आ रही है, एक्सेस दिया जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ताकि सुधार आए। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है? ठीक है, अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है, 6 महीने के बाद कोई कमी आती है तो उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूवमेंट तो हमेशा चांसेस है। लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए देश के विकास में हर जगह टांग अड़ाना कि नहीं जी हमारी बात मानो नहीं तो हम तुम्हारी सरकार, महंत टिकैत क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, बिल वापस नहीं लोगे, तो हम देखेंगे तुम्हारी सरकार कैसे बनेगी, हम चुनावों में तुम्हें जवाब देंगे। अरे जब चुनाव में ही जवाब देना था तो अभी से क्यों मर रहे हो सड़क पे, क्यों दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हो? चुनाव में कर लेते हैं इंसान, चुनाव के 1 महीने पहले एक्टिव होते, तुम 2 साल पहले से एक्टिव हुए पड़े हो। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इन लोगों की, मैं आपको बताऊं, कोई सॉलिड नॉलेज नहीं है ना, इनको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज नहीं। मैंने बोला सारे किसान नेताओं से, आंदोलनकारियों से पूछ दीजिए कि जब तक टमाटर 2 रुपए किलो बिकता है तो 2-4 मैकेनिज्म मुखिया जी हमें हमारे बता पास दे कि टाइम, कैसे, जी जी मुखिया जी हमारे पास हाँ तो वक्त कम कैसे वो हो, बीस रुपए बिल्कुल किलो बचे, जी जी जिंदगी मुखिया में जी आंसर बिल्कुल ही वो सौरभ मिल मैं आपकी जाएगा, मैं तरफ नेता आती मान हूँ, लूंगा।